हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ, पर फेस्टिव सीजन आ रही है और यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार बारिश। कब जाएगी मुझे नहीं पता, पर अगर आपके स्किन में जिद्दी से जिद्दी डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिगमेंटेशन हो रखे हैं और ये जा ही नहीं रहा, इसके सॉल्यूशन है मेरे पास। आइए बात करते हैं। अगर आपके ऑयली स्किन है, पिंपल्स आते जाते रहते हैं और जाने के बाद स्कार्स छोड़ते हैं, अगर आपके नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है और आप पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन ये सब चीज़ों से बेहद परेशान हैं, या तो फिर किसी भी तरह की स्किन डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन टोन, ये सब प्रॉब्लम्स आपको है, तो आज मैं आपके लिए ऐसे 2 ज़बरदस्त रेमेडीज लेके आ गई जो इस सारे स्किन प्रॉब्लम्स को एक चुटकी में गायब कर सकता है, वो भी कुछ ही दिनों में, विथ रेगुलर यूज़ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेमेडीज के ऊपर बिलीव करने से। जी बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी स्किन पे जो लगा रहे हैं, अगर आप उस चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे तो क्या थोड़ी वो आपके ऊपर काम करेगी? कभी नहीं। इसीलिए स्किन पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले, चाहे वो DIY हो या फिर मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, आपको उस पर बिलीव करना है। आपको ये बात अंदर से मानना है कि नहीं, ये मेरे ऊपर काम करेगी, मतलब करेगी। आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ एंड आई सी द रिजल्ट फॉर श्योर। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। फेस मास्क बनाने के लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑरेंज पिल पाउडर एंड 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क एंड मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी। आप चाहे तो ये मास्क सिर्फ दूध से ही बना सकते हैं। अब बात आती है दूध कौन सी लेना है, कच्चा दूध या फिर उबला हुआ, आपके पास जो अवेलेबल रहेगा। कच्चा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर उबालना हो चुका है तो आप वही लेना। अब इस पेस्ट को आप फेस, नेक, हैंड्स पे लगाएं। आप ऑरेंज पिल पाउडर घर पे भी बना सकते हैं। ऑरेंज पिल्स यानी कि जो छिलका होता है वो धूप में सुखाएं, देन उस ड्राइड पिल्स को मिक्सर में ग्राइंड करके आप स्टोर कर सकते हैं। और सामने ही विंटर सीजन आने वाला है, मतलब ऑरेंज की सीजन, तो आप जरूर ये प्रोसेस ट्राई करना। नाउ लेट्स कम इन टू द बेनिफिट्स। ये मास्क अप्लाई करने से आपके कम्प्लेक्शन में आपको चेंजेस नजर आएगी फॉर श्योर, क्योंकि ऑरेंज पिल पाउडर स्किन डिस्कलरेशन को ठीक करता है, स्किन को इवन बनाता है और स्किन ग्लोइंग होती है। ऑरेंज पिल पाउडर स्किन की किसी तरह की डार्क स्पॉट्स को क्लियर कर सकता है। ऑरेंज पिल में है स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज, जिससे ये फेस मास्क रेगुलर अप्लाई करने से आपका डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे फेड होता जाएगा। ये मास्क अप्लाई करने से डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन तो दूर होगा ही, अगर आपकी स्किन में टैन पड़ गई है तब भी ये मास्क आपको जबरदस्त रिजल्ट्स देने वाला है। दूध में है लैक्टिक एसिड जो स्किन में रेडियंस ऐड करेगा, आपकी स्किन होगी सॉफ्ट एंड सपल। इस पर्टिकुलर फेस मास्क को आपको अप्लाई करना है हफ्ते में 2 से 3 दिन। लीव इट ऑन योर स्किन फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर। नेक्स्ट जो स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी ये बहुत ही छोटू सा है और बहुत ही इजी। यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा जेल, थोड़ा सा लेमन जूस और हनी। इसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लिक्विड सा होगा, यही आपको लगाना है पूरे फेस पे, स्पेशली उस स्पॉट्स पर। इसको प्रिपेयर करने में मैंने लिया है लेमन, मतलब आप समझ ही सकते हो कि फेस पे किसी भी तरह की पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स, पिंपल स्पॉट्स रहेगा तो कैसे, क्योंकि लेमन में है विटामिन सी, आपको पता है। किसी तरह की दाग धब्बे दूर करने के लिए विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइजर मार्केट में कितना पॉपुलर है ये आप जानते ही होंगे। अगर आपके स्किन में हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर की कमी है तो इसको पूरा करेगा हनी। और भी अच्छा होगा अगर आप इसमें चावल का आटा मिलाएंगे तो, क्योंकि दाग धब्बे दूर करने के लिए राइस फ्लावर इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। इस मास्क को फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको जेंटली मसाज करना है, स्पेशली उसी एरिया पे जिस एरिया पे आपका स्पॉट्स है। और मसाज करने के बाद इसको फेस में 10 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि अगर आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।